नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले कुछ बेसिक इंग्लिश। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर आप हमें इज एम आर का यूज़, इसके अलावा वॉज वर्ब का यूज़, विल का यूज़ कहाँ पर करें, कैसे करें, कहाँ पर इज़, जब इज़ का यूज़ होता है या वॉज वर्ब का यूज़ होता है तो वहाँ पर हम आई एन जी लगाते हैं, बहुत सारे सेंटेंस में आई एन जी नहीं लगाते, वहाँ पर भी इज़ का यूज़ होता है, तो ये सब कैसे होता है या फिर इसके नियम क्या है वो सब हमें बताइए। तो यहाँ पर कमेंट्स बहुत सारे आए थे, तो मैं कमेंट्स देखता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ। और जिसके ऊपर वीडियो बनाना फिलहाल के लिए सही है मैं बनाता हूँ और सबके ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ धीरे धीरे। तो आज की जो बेसिक इंग्लिश है, जिन्हें आता है ये सभी वो स्किप कर सकते हैं वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाहे तो आप देख सकते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि आज मैं व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं कर पा रहा हूं, मेरे जो मार्कर्स थे वो सभी सूख गए जी, बहुत दिनों से मैं यूज नहीं कर रहा था किसी कारण से, तो मार्कर्स क्या है वहां पे सभी सूख गए हैं, तो उसके इंक मैं लाऊंगा, फिर वहां पर व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे। आज हम लोग यहां पर चॉक का यूज कर लेते हैं पुरानी पद्धति से, नॉलेज तो वही रहेगा, बस यहां पर थोड़ा देखने में आपको हो सकता है परेशानी हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए एम का यूज कहाँ पे होता है, मैंने जैसे बताया था आपको, और अभी भी जिन्हें नहीं पता वो भी देख लीजिए, एम का यूज केवल आई के साथ होता है। आप कभी भी यू एम नहीं बोलेंगे, वी एम नहीं बोलेंगे, आई एम ही बोलेंगे। एम का यूज जब भी करना है तो आई के साथ ही होगा। इसके अलावा आर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, यू के साथ यू आर, V के साथ वी आर, दे के साथ दे आर। यहाँ पर कभी भी ऐसे नहीं होगा कि यू एम, वी एम या फिर आई आर या फिर किसी का नाम है ही आर, ऐसे नहीं होगा। तो ये सभी बेसिक से नियम है, आपको ध्यान देना है ताकि आपसे भविष्य में गलती ना हो। इसके अलावा जैसे बताया दे आर, अब देखिए इस का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, तो इस ही के साथ इस, ही इज, सी इज, इट इज़ भी होता है, और किसी नेम के साथ भी इसका यूज़ होता है। तो ये सभी हमें जानना जरूरी है। और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें इज एम आर का यूज़ होता है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो एम का तो केवल आई के साथ होगा, आर और इस का यूज़ बहुत सारे में होता है, वो सभी भी आगे बताने वाला, वीडियो को लास्ट तक के देखेंगे। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर बना के देखते हैं ताकि आपको आसानी से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे एक हम वर्ड लेते हैं पुअर, पी डबल ओ आर, पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब, इसे आप पुअर नहीं पढ़ेंगे। जी हाँ, इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश जो वर्ड्स है उसमें हमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यदि हम हिंदी नियम से पढ़ने जाएँ, जैसे कि हम कोई नाम का स्पेलिंग बनाते हैं तो उस प्रकार से बनाएंगे तो आपसे उच्चारण में गलतियाँ हो सकती हैं। नाम वाला जो नियम है वो अलग है और इंग्लिश में उच्चारण करने का नियम अलग होता है। उच्चारण के बहुत सारे नियम होते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, बहुत सारे वीडियो बनाए भी हैं, उसे आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसे हम पुअर पढ़ते हैं, पुअर का मतलब होता है गरीब। अब इसे हम बिल्कुल ये जो फॉर्मूला है इसमें रख के देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है विषय, यानी कि वो जो काम करने वाला है, वो जो काम हो रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट का यूज होता है। सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, एच वी, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। इसके साथ जो लगता है, केवल आई नहीं लगे, उस साथ कुछ सहायक क्रिया लगता है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जहां पर लगेगा उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। तो ऑब्जेक्ट या फिर अदर यहां पे हम लिख सकते हैं अदर, उसके बाद अन्य जो बच गया है उसे हम यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में। यहाँ पे टेंस वाली बात नहीं हो रही है, टेंस में क्या प्रॉब्लम आते हैं, मतलब आपको क्या कंफ्यूजन होता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हुआ आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है तो मैंने जैसे बताया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है तो आई एम, और वो जो अदर हो गया, जो ऑब्जेक्ट हो गया, वो हो गया पुअर। आई एम पुअर, इसका मतलब क्या हुआ, मैं गरीब हूँ। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। उसके बाद यदि हम यू में यूज़ करते हैं तो यू के साथ आर का यूज़ होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आर लगता है यदि यू सब्जेक्ट है तो, यू आर पुअर, तुम गरीब हो। वी आर पुअर, हम गरीब हैं। उसके बाद दे आर पुअर, तो दे का मतलब होता है वे गरीब हैं। तो देखिए इस प्रकार से, बस यहाँ पे देखिए एक वर्ड है लेकिन उससे कितने सारे सेंटेंस बन रहे हैं। वर्ड यानी एक जो वर्ड होता है, जो शब्द है, और सेंटेंस यानी वाक्य जो शब्दों से मिलकर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए ही सी इट या फिर कोई नेम है उसके साथ इसका यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए ही इज पुअर, वह गरीब है, लेकिन
ही का मतलब वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ही का यूज कब करते हैं, जब पुल्लिंग हो, यानी कि वो लड़का हो, मान के चलिए लड़का हो, आदमी हो, पुल्लिंग हो, तो वहां पे ही का मतलब वह होता है। सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन यदि वो स्त्रीलिंग हो, यदि कोई लड़की के बारे में बात हो रही है या ऐसी चीज के बारे में बात हो रही हो स्त्रीलिंग हो, तो वहां पर सी का यूज करते हैं। अब देखिए, ही इज पुअर, वह गरीब है, सी इज पुअर, वह गरीब है, लेकिन लड़की के लिए बात हो रही है। फिर राहुल इज पुअर, राहुल गरीब है। तो यहां पर देखिए, इस प्रकार से सेंटेंस बनते जाता है, तो आपको नियम पता चल गया है कि आई के साथ एम लगता है, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, यू वी दे के साथ आर लगता है। आप कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि यू इज पुअर, या आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि वी इज पुअर, या आप कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि ही आर पुअर, आप कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि राहुल आर पुअर, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये नियम को आप याद रख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, चाहे तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब पुअर के जगह में आप कोई भी वर्ड रखेंगे तो मान के चलिए आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से सेंटेंस और बना सकते हैं, जैसे कि यहां पे हमने बनाया पुअर, अब इसके जगह हम लिख देते हैं हंग्री। हंग्री यानी होता है भूखा। H U N G R Y मतलब हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा। अब यहां पर बिल्कुल वैसे ही बनेगा, आप समझिए किस प्रकार से बनाना है। यहां पर आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, यू आर हंग्री, तुम भूखे हो, वी आर हंग्री, हम भूखे हैं, दे आर हंग्री, वे भूखे हैं, ही इज हंग्री, वह भूखा है, सी इज हंग्री, वह भूखी है, लड़की है इसलिए, राहुल इज हंग्री, राहुल भूखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चेंज होते जाएगा, और उसके साथ क्या होगा, बिल्कुल आप नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, आप तो समझिए, हंगरी के अलावा यहाँ पर जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे सेंटेंस जैसे बनाएंगे, तो ये इस पर नियम वही काम करेगा। आपको यही ध्यान देना है कि आई के साथ एम लगता है, और इन सभी के साथ आर, इनके साथ इज लगता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, आज के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं, यदि कोई क्रिया है, यदि कोई काम हो रहा है, तो यहाँ पर इज एम आर का यूज़ कैसे होता है, उसका नियम क्या है। अब यहाँ पर देखिए, वो तो सिंपल सेंटेंस की बात थी, अब आते हैं टेंस पे। यदि हम इज एम आर का यूज करते हैं किसी टेंस में, तो टेंस कौन सा टेंस होगा जहाँ पर इज एम आर का यूज होता है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब वहाँ पर नियम बदल जाता है, वहाँ पर नियम क्या होता है, यदि आप ऐसे लिखेंगे आई एम गो, मान लीजिए गो यानी होता है जाना, आप यदि बोलेंगे आई एम गो, सर अभी तो आपने बताया आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, तो आई एम गो मतलब मैं जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका गलत। मैं जाता हूँ, ये भी हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि टेंस में अलग नियम होता है। आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर इज एम आर का यूज होता है वहाँ पे आई एन जी लगता है, लेकिन किस में आई एन जी लगता है, यदि कोई काम हो रहा हो। जी हाँ, टेंस का यूज कब करते हैं, जब कोई काम होता है। और जैसे कि मान लीजिए, खा रहा हूँ, काम हो रहा है, जाता हूँ, काम हो रहा है, जाएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, तो ये सभी जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर हम टेंस का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर कोई काम का बोध ना हो, जहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, जैसे सिंपल सेंटेंस है, रामू एक अच्छा लड़का है, तो रामू एक अच्छा लड़का है, तो वहाँ पे कुछ काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, वो सिंपल सेंटेंस है, तो वहाँ पे टेंस का यूज़ नहीं करना है। टेंस का यूज़ कहाँ पे करना है, रामू खाना खाता है, रामू पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे काम हो रहा है उसके द्वारा, तो जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पे हमें टेंस का यूज़ करना है, और जहाँ पर सिंपल सेंटेंस है जहाँ पर, वहाँ पर हमें टेंस का यूज़ नहीं करना है। अब यदि हम ऐसे लिखते हैं आई एम गो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, नियम क्या कहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, और ये गो है जो फर्स्ट फॉर्म है क्रिया का, उसके साथ आईएनजी जुड़ता है। क्या जुड़ता है, आईएनजी, आईएनजी, तभी आपका सेंटेंस जो है सही होगा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, अब कहां जा रहा हूं, आगे का सेंटेंस हो गया, चाहे तो जोड़ सकते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, उसके अलावा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो वो तो बात की बात हो गई, लेकिन सिंपल यदि हम देखते हैं तो आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, We are going, हम जा रहे हैं, They are going, वे जा रहे हैं, इसके अलावा He is going, वह जा रहा है, She is going, वह जा रही है, Rahul is going, राहुल जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ing जुड़ जाता है, यदि कोई काम हो रहा है तो फिर वहाँ पर ing जुड़ेगा, जैसे कि ये तो go हो गया, मान लीजिए हम यहाँ पर रीड, रीड यानी होता है पढ़ना, हमने लिखा R E A D, E D,
READ, रीड। तो रीड का मतलब हुआ पढ़ना, लेकिन यहां पर जैसे मैंने बताया आपको पढ़ना क्या है, काम है। तो यदि इज एम आर का यूज हो रहा है तो वहां पे हम आईएनजी लगाएंगे, केवल ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम रीड, मैं पढ़ रहा हूं, गलत हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा आईएनजी जुड़ जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा आपका रीडिंग, बिल्कुल वैसी बन जाएगा, आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ, यू आर रीडिंग तुम पढ़ रहे हो, वी आर रीडिंग हम पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग वे पढ़ रहे हैं, ही इज रीडिंग वह पढ़ रहा है, सी इज रीडिंग वह पढ़ रही है, राहुल इज रीडिंग राहुल पढ़ रहा है। तो जो भी काम होगा प्ले आएगा तो प्लेइंग हो जाएगा, यदि इज एम आर लगा है। मान लीजिए वहां पर उसके अलावा स्विम आता है यानी तैरना, तो स्विमिंग हो जाएगा। उसके अलावा वहां पे आता है मान लीजिए जंप यानी तो जंपिंग हो जाएगा, कूदना। सिंग यानी गाना, लेकिन वहां पे सिंगिंग हो जाएगा, तो आईएनजी जुड़ जाएगा यदि इज एम आर है, लेकिन कब, जब कोई काम हो रहा हो। और जैसे कि मैंने बताया जहां पर कोई काम नहीं हो रहा है तो आई एम मैं हूं, क्या हूं। तो यहां पर यदि मान लो सिंपल सेंटेंस लिखता है लॉयल, क्या मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ लॉयल, एल ओ वाई ए एल, लॉयल का मतलब होता है ईमानदार होना। तो ईमानदार होना कोई काम नहीं है, आप बोल रहे मैं ईमानदार हूं तो कुछ काम थोड़ी कर रहे हो, ये तो आपकी क्वालिटी को बता रहे हैं। तो यहां पे देखें लॉयलिंग ऐसे नहीं होगा, यहां पे सिंपल आई एम लॉयल मैं ईमानदार हूं, यू आर लॉयल तुम ईमानदार हो, वी आर लॉयल हम ईमानदार हैं, दे आर लॉयल वे ईमानदार हैं, ही इज लॉयल वह ईमानदार है, सी इज लॉयल वह ईमानदार है, राहुल इज लॉयल राहुल ईमानदार है। तो आप समझ गए, यदि कोई काम हो रहा हो, क्रिया हो रहा हो तो वहां पे आईएनजी लगाएंगे, और नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है तो वहां पर आप केवल जो चीज आप लिखना चाहते हैं कि वो क्या है तो उसे लिख दीजिए, वहां पे आईएनजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किया था। अब ये तो हो गया एम आर इज, अब हम देखते हैं वाज वर्ब का यूज, बिल्कुल इसी प्रकार से है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट नियम में, वो है वॉज और वर्ब। इसे बहुत सारे वॉज वेयर भी पढ़ते हैं, तो आपको क्लियर कर दो वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसे हम वर्ब कहते हैं जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। वेयर यानी होता है कहाँ, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर का मतलब होता है कहाँ, यहाँ पे डब्ल्यू ई आर ई यानी वर्ब, वॉज और वर्ब ये भी हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि इज एम आर होता था, लेकिन इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, ये होता है पास्ट टेंस में। जी हाँ, पास्ट टेंस यानी पास्ट यानी जो भूत गया, भूतकाल, जैसे कि मैं जाता था, मैं खाता था, वे घूमते थे, हम गाते थे, या फिर वो एक अच्छा लड़का था, वो अच्छा गाती थी। तो इस प्रकार के जो भी था, थे, थी वाला जो होता है, तो ये पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस का यहाँ पे यूज़ होता है, वहाँ पर हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन सभी पास्ट टेंस में नहीं, उसका नियम है, वॉज वर्ब का यूज़ हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वह, जैसे कि वह खा रहा था, वह घूम रही थी, वह जा रही थी, इस प्रकार से जो काम हो रहा है और रहा था, रही थी जुड़ा है, वहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ होता है। अब यहाँ पर भी दो प्रकार से यूज़ करते हैं, जैसे कि वहाँ पर मैंने इज एम आर बताया था, यदि वहां पे सिंपल सेंटेंस है तो वहां पर हम आईएनजी नहीं लगाते। जैसे कि मैंने आपको पुअर वाला एग्जांपल बताया था, बिल्कुल वही बताता हूं एक बार, क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। मान लीजिए जैसे हमने पुअर वाला लिया था एग्जांपल, पुअर यानी गरीब, तो आई वॉज पुअर मैं गरीब था, देखिए यहां पर था हो जा रहा है, आई एम पुअर मैं गरीब हूं। अब यहां पे क्योंकि पास्ट टेंस मैंने बताया, पास्ट टेंस में यूज होता है वॉज वर्ब का, तो था हो जाएगा, सभी में था हो जाएगा, आई वॉज पुअर मैं गरीब था, यू वर पुअर तुम गरीब थे, यहां पे यू वॉज पुअर नहीं बोलेंगे आप, यू के साथ वर जुड़ता है, वी वर पुअर हम गरीब थे, दे वर पुअर वे गरीब थे, बॉयज वर पुअर, बॉयज यानी बहुवचन है, एक लड़के के बारे में बात है, बॉयज यानी बहुत सारे लड़कों की बात, बॉयज वर पुअर लड़के गरीब थे। तो देखिए यदि कोई बहुवचन वाले भी आता है शब्द जहाँ पे बहु एक से ज्यादा है तो वहां पे वर का यूज होता है, बॉयज वॉज पुअर नहीं होगा। यहाँ पे यदि केवल बॉय लिखा होता है, बॉय वॉज पुअर तो समझ आएगा, लेकिन बॉयज लिखा हुआ है यानी एक से ज्यादा है तो यहाँ पर क्या है, वर का यूज होगा, ये एक नियम हो गया। उसके बाद देखिए ही वॉज पुअर वह गरीब था, सी वॉज पुअर वह गरीब थी क्योंकि लड़की है, राहुल वॉज पुअर राहुल गरीब था। तो देखिए सभी में था यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर आई एन जी नहीं जुड़ रहा है, जैसे मैंने कहा वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के साथ आई एन जी जुड़ता है, लेकिन कब जुड़ता है, जब टेंस का यूज करते हो। टेंस का यूज कब करते हैं, जब यहाँ पर कुछ काम का बोध हो रहा हो यानी कोई काम हो रहा हो, नहीं हो रहा है सिंपल सेंटेंस तो आई एन जी नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं जैसे कि पुअर के बाद आपको और नहीं बताऊंगा क्योंकि आप समझ गए हैं, पुअर लगाओ चाहे ब्यूटीफुल लगाओ चाहे और लॉयल लगाओ, जैसे कुछ भी आप लगाएं जो सिंपल सेंटेंस है वहाँ पर आई एन जी नहीं
ही लगेगा। अब आईएनजी कहां लगेगा, बिल्कुल वही वाला आपको बताता हूं फिर से। कुछ मान लो प्ले, हमने लेते हैं यहां पे प्ले, ये हो गया आपका प्ले, प्ले यानी खेलना। अब आप बोलेंगे आई वॉज प्ले, मैं खेलता था, तो ये क्या, मैं खेल रहा था, मान लीजिए आप बोलते हैं आई वॉज प्ले, मैं खेलता था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप कहते हैं मान लीजिए आई वॉज प्ले, मैं खेलता था, तो ये टेंस के हिसाब से सही नहीं होगा, इसे हम यहाँ पर आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वॉज वर्ब का यूज हम कहाँ पर करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वहां पे हम आईएनजी को यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए आई वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पे आईएनजी जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा, यानी मैं खेल रहा था। उसी प्रकार से यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे, He was playing, वह खेल रहा था, She was playing, वह खेल रही थी, Rahul was playing, राहुल खेल रहा था। तो ing जुड़ गया मतलब रहा था, रही थी, इस प्रकार का यूज होता है। यदि प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है इज एमआर, तो रहा है, रही है, रही थी, सॉरी रहा है, रही है, रहे हैं। यदि वॉज वर्ब का यूज हो रहा है तो यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से यूज होता है। तो आप समझ गए, यदि कोई काम है तो वहां पे आईएनजी जुड़ेगा, और यदि कोई काम नहीं हो रहा है तो वहां पे सिंपल रहेगा। तो इस प्रकार से ये नियम था इज एमआर का, वॉज वर्ब का। अगले और भी जो पार्ट्स बनाने वाला हूं, वहां पे मैं आपको फ्यूचर टेंस के विल और इसके अलावा बहुत सारे जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उसका भी मैं आपको बताने वाला हूं, टेंस के साथ भी और सिंपल सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो सभी, और नए नए प्रकार के वाक्यों को भी मैं आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। रहने को बहुत ही बेसिक है, जिनको समझ आ गया सोचेंगे कितना सरल आपने बताया सर, ये तो बहुत ही इजी है, हमें तो पता था। तो आज की वीडियो खास तौर पर उनके लिए थी जिन्हें बिल्कुल भी ये सभी बेसिक जो जानकारी नहीं है वो गलतियां कर देते हैं, आई के साथ कभी वर लगा दिए, वी के साथ कभी वॉस लगा दिए, बॉयज के साथ कभी वॉस लगा दिए, ही के साथ कभी वर लगा दिए, तो उन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे कहां पर किसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ कहां पर करते हैं, एम का यूज़ कहां पर करते हैं, आर का यूज़ कहां कहां पर करते हैं, किसके साथ करते हैं, और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन अभी बेसिक सा मैंने बताया है ताकि उनका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। इसके बाद और भी वीडियो ऐसे बनाने वाला हूँ, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ऐसी वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूं। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल के बेल आइकन को भी दबा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।